हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर चिल्ली, तो मैंने यहाँ पे पनीर फ्राई करके रख लिए थे। यहाँ पे मैं मिक्सर में अदरक लहसुन को छील रही हूँ ताकि मैं मसाला रेडी कर सकूँ। ये हमारा आज का दोपहर का लंच है, तो मैंने सोचा कि चलो आज काफ़ी दिन हो गए थे पनीर वगैरह बनाए हुए, तो मैं आपसे पनीर भी बना लेती हूँ और मैं आपसे अपनी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने पनीर फ्राई कर लिए थे। मसाले में मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस लहसुन अदरक का पेस्ट, बिल्कुल थिक सा पेस्ट मैं रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने मसाले मैंने रेडी करके रखे हुए थे। ये मसाले इसमें है आपके ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी को मैंने रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में उसे कर लिया था, तो वो बस मैंने एक चम्मच एक टीस्पून डाल दिया है और इसे मैं मिक्सर में ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे से ताकि एक थिक पेस्ट। और उधर मसाला रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे शिमला और प्याज को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद मैं उसे मीडियम लो फ्लेम पे उसे फ्राई कर रही थी और मेरे पास कुछ बीटरूट पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि चलो मैं उसे भी ऐड कर देती हूँ, अच्छा कलर आ जाएगा बीटरूट की वजह से और टेस्ट भी हो बढ़ जाएगा। यहाँ पर इसे मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है, मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया है और इसे मैं मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे भून लूँगी। यहाँ पे देखिए मसाले मेरे भुन चुके हैं और मैंने इसमें ऊपर से हरी मिर्च ऐड कर दिया है ताकि मिर्च इसमें लंबी लंबी रहे तो अच्छी लगती है ना देखने में भी और खाने में भी। उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटो सॉस 2 टेबलस्पून एंड सोया सॉस 2 ढक्कन मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ताकि मैं इसका अच्छे से थोड़ा थिक पेस्ट बना सकूँ, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। पीछे मेरे हस्बैंड वॉक कर रहे हैं मोबाइल हाथ में लेके, वो मतलब गाना भी सुनते रहते हैं और वॉक भी करते रहते हैं। यहाँ पे मैंने अब ये बिल्कुल रेडी है मेरी पनीर चिल्ली में डालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉस का पेस्ट जो था वो मैंने पनीर चिल्ली में ऐड कर दिया है और कितना अच्छा कलर आया है मेरी मतलब ग्रेवी का। और इसमें मैं जो मेरी बाउल थी ना उसमें मैं हल्का सा, हल्का क्या मतलब हाफ बाउल मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा हो सके। और इसमें इसको मैं इसे ढक दूँगी 1-2 मिनट के लिए जब तक इसमें उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी ग्रेवी में कितना अच्छा उबाल एंड कलर आ गया है। अब ये बिल्कुल रेडी है पनीर ऐड करने के लिए। तो जो मैंने फ्राई किए हुए पनीर रखे थे वो मैंने ऐड कर दिया है। एक पनीर का टुकड़ा साइड गिर गया क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और एक ही हाथ से मैं काम कर रही थी, तो बहुत दिक्कत होती है। अभी ट्राइपॉड वगैरह नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है। अब ज़्यादा जब अच्छे व्यूज़ वगैरह आने लगेंगे उसके बाद मैं थोड़ा ट्राइपॉड वगैरह के बारे में सोचूंगी। और ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है ना, आप उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमारे बिल्डिंग के जस्ट सामने वाले बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा ये नॉइज़ हो रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। और देखिए यहाँ पे मेरी पनीर चिली रेडी हो गई है और कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी हो गई है। और यहाँ पर मैं जो बीटरूट थे ना उसे मैं कट करके देख रही हूँ कि वो मतलब अच्छे से पकी है या नहीं। और पनीर चिली में क्या है ना, शिमला ये सब थोड़ी हल्की कच्ची कच्ची टाइप रहती है तो वो अच्छी लगती है। और यहाँ बगल में मैंने राइस, क्योंकि मुझे बनाना है फ्राइड राइस, तो पहले मैं राइस को अच्छे से बॉईल कर लूँगी, उसके बाद मैं जो भी ऐड करूँगी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे मेरी पनीर चिल्ली रेडी हो गई है। अगर आपके पास धनिया है तो आप उसे ऐड कर दीजिए, मेरे पास नहीं था तो मैं। तो अब मेरी बारी है फ्राइड राइस बनाने की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्याज कट कर ले रही हूँ। जो जो वेजिटेबल्स मुझे ऐड करने हैं फ्राइड राइस में, आप जितनी भी वेजिटेबल्स ऐड करोगे ना वो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया था, मेरे पास जो जो सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी वही मैंने ऐड किया है। यहाँ पर मैं हरी मिर्च कट कर लेती हूँ एंड प्याज मैंने लंबे लंबे साइज़ में काट लिया है।
और ताकि अच्छा फ्लेवर आ सके। एंड वही जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन और एक कैप्सिकम पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो कैप्सिकम भी ऐड कर देते हैं। बीटरूट तो नहीं डाला था मैंने, क्योंकि बीटरूट तो मैंने पनीर चिली में ऐड कर ही दिया था। उससे कलर इतनी अच्छी आ जाती है ना किसी भी चीज़ में। आपने देखा ना मेरे पनीर चिली का कलर कितना अच्छा हो गया था। तो ये बहुत हेल्दी भी है, एंड आप ऊपर से अगर कोई भी किसी भी चीज़ में आप फूड कलर ऐड करते हो तो वो क्या है, थोड़ा अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। लेकिन अगर फूड कलर को रिप्लेस करके कुछ आप डालना चाहते हो तो बीट रूट इज़ द बेस्ट। तो इसलिए मैंने बीट रूट ऐड किया। और यहाँ पे मैं कैप्सिकम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ, क्योंकि ये कैप्सिकम फ्राइड राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। पहले ना मुझे कैप्सिकम वगैरह अच्छे नहीं लगते थे, मम्मी बनाती थी इसकी सब्ज़ी वगैरह, तो मैं छाँट छाँट के सभी कैप्सिकम को अलग कर देती थी और जो भी आलू या फिर बाकी वेजिटेबल्स रहते थे वो सब मैं खा लेती थी। लेकिन अब मुझे इसकी जो स्मेल है इतनी अच्छी लगती है ना, तो इसे क्या है, आप जब फ्राई करोगे ना, फ्राई करते करते इसकी इतनी अच्छी स्मेल आने लगती है, पूरा किचन मतलब फैल जाता है इसकी स्मेल से। बहुत अच्छा लगता है मुझे अब इसका वो सेंट। तो वहाँ पे मैंने चावल चढ़ाया हुआ था गैस पे, तो साथ ही साथ मैं उसे देखती भी रह रही हूँ, क्योंकि चावल को हमें पूरा नहीं गलाना है, हमें थोड़ा खरा खरा बनाना है, ताकि वो फ्राइड राइस में देखते हो ना कितनी खरी खरी चावल रहती है। तो मैंने सोचा पहले बासमती राइस की बना लूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो आप हटाओ, बासमती राइस की नहीं बनाती हूँ, जो डेली चावल हम लोग खाते हैं वही उसी चावल की मैंने बनाई है। तो मैंने यहाँ पे सभी वेजिटेबल्स को कट कर लिया है। अदरक भी मैंने क्रश करके रख लिया था, ये कैप्सिकम, प्याज, टमाटर, एंड यहाँ पे मेरी राइस भी बन गई है। आप देख सकते हैं कितना खरा खरा इसका दाना हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसे ना हाथों से टच करके भी देखती हूँ कि मतलब वो ज़्यादा गले तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गलेगा तो हमें फ्राई करने में बहुत दिक्कत होगी, वो पूरा मिक्स हो जाता है आपस में। सो चावल का पानी निकालने के बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड तेल यूज़ किया है। यहाँ पे मैं कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है और मैंने इसमें जीरा का तड़का दिया है स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ हरी मिर्च, थोड़ा जीरा को फड़कने देंगे, उसके बाद हम उसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ऐड किया, उसके बाद मैं साथ ही साथ प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज और शिमला को हमें ज़्यादा नहीं पकाना रहता है, क्योंकि वो शिमला वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी कच्ची कच्ची टाइप रहती हैं, तो ही उसका टेस्ट आता है खाने में। और यहाँ पे मैं प्याज को हल्का, आई मीन 30 to 40 seconds के लिए मैं इसे भून लूँगी, हमें इसे पूरा ब्राउन नहीं करना है। और हम लोग इसे थोड़ा चलाते हुए रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में चिपके ना। और हल्का भून लेने के बाद देखिए मैंने ज़्यादा देर नहीं भूना, अब मैं तुरंत इसमें मैंने शिमला ऐड कर दिया है, तो कितना अच्छा कलर आ रहा है ना। शिमला वगैरह डाल दो तो किसी भी सब्ज़ी की या किसी भी चीज़ की रौनक ही बढ़ जाए। यहाँ पे देखिए मैंने ऑफ़ कैमरा इसमें टमाटर एंड अदरक जो क्रश करके रखा हुआ था वो ऐड कर दिया, क्योंकि क्या है ना मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो जो जो मैंने आपको दिखाया मैंने बस वही ऐड किया है, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है पाउडर में, और थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ियाँ फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी। एक हाथ से कर रही थी तो थोड़ा अनबैलेंस हो गया था, तो यहाँ पे और ऊपर से मैं स्वादानुसार नमक ऐड कर देती हूँ, बाकी हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। और देखिए कितना डेंटना, तो देखिए हमारा आज का लंच तैयार है और कितनी अच्छी कलर आई है इस राइस की। और ये रहा मेरा पनीर चिल्ली, तो बस ये सिंपल सा खाना था। और ये यस माय फेवरेट। सो लंच वगैरह करने के बाद मैंने एक पर्पल से अपना एक पार्सल ऑर्डर किया था, जिसमें मैंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, तो वो मुझे रिसीव हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो ये बस जस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट है, तो मैं दिखाती हूँ ये इसमें क्या है। हे गाइस, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। फोकस कर लो यार।
गॉड्स, पता नहीं, एक तो लाइट भी गई हुई है तो ये फोकस नहीं ले रहा है पता नहीं क्यों। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश है, और यहाँ पे मैंने डर्म डॉग, वेट अ मिनट, डर्म डॉग का हाइलुरोनिक एसिड वाला फेस सीरम मंगवाया है, स्किन प्लम्पिंग फेस सीरम विथ विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड। ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने मंगवाया है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, ये भी हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई है, काफ़ी बेनिफिशियल है ये ऑल टाइप्स स्किन के लिए, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, मेरी स्किन बहुत ऑयली है। एंड अगेन गुड वाइब्स का ये ग्रीन टी टोनर है, ग्रीन टी इज़ द वेरी वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन, ये सब ऑयल स्किन टाइप है बट आप यूज़ कर सकते हैं। और पर्पल्स पे चल रही थी ऑफ़र, उस दौरान मैंने शॉपिंग करी तो मुझे ये गुड वाइब्स की ऑरेंज ब्लॉसम फेस वॉश फ्री मिला है, तो काफ़ी अच्छी डील चल रही थी तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने ऑर्डर किया। एंड गुड वाइब्स इज़ अ वेरी वेरी गुड ब्रांड। सो ये था मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट, जस्ट 5 आइटम्स थे। तो हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से हम सबसे पहला एक टोनर सीरम एंड मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स स्किन, सभी के लिए। स्किन केयर अगर आप कर रहे हो, स्किन केयर रूटीन कर रहे हो मॉर्निंग में इवनिंग में, जब भी आपको ये 2 टाइम यूज़ करना ही करना है। सो या ये था मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट। अगर आप भी, आप में से कौन कौन से गुड वाइब्स के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड सो या आपसे बातें करते करते मौसम कितना अच्छा हो गया था बाहर, तो मैंने सोचा कि चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ मौसम। दिन भर क्या है ना, इतनी गर्मी रहती है लेकिन 3-4 बजे तक मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल मिसेस भाटिया ब्लॉग्स, कैसे हैं आप सब? और अभी बज रहे हैं शाम के 4, मैं जस्ट अभी आधे घंटे हो गए, मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ, आज भी मतलब फुर्ती नहीं होती है काम करने की, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करते करते, वैसे पूरा दिन पड़ा रहता है, इतनी जल्दी काम करके करना भी क्या है, तो फिर सब कुछ करते करते लास्टली जब फिर गर्मी लगने लगती है तब जाके मैं जाके नहाती हूँ। तो अभी जस्ट मैंने लंच किया है थोड़ी देर पहले, आई थिंक 15-20 मिनट हो रहे होंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आज मैंने आपसे जो रेसिपी शेयर करी आपको कैसा लगा आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगवाए थे जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी स्किन इतनी ऑयली है, मतलब मैं कुछ भी लगाती हूँ तो मतलब मेरे फेस में वो कुछ दिन अच्छा सूट करता है, उसके बाद फिर मतलब वही लेवल में आ जाता है स्किन। तो मुझे समझ ही नहीं आता है यार कि मैं कौन से ब्रांड यूज़ करूँ, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अगर आप में से किसी को पता है कि जिसकी स्किन ऑयली हो, ऑयली नहीं, मेरी तो एक्सट्रीम ऑयली है, तो इसका अगर कुछ सोल्यूशन है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन मतलब मेरी तरह इस तरह से डील कर रहा है अपने स्किन के साथ वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इतना मतलब इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ ना कभी कभी गर्मियों में, तो मतलब बाबा बैंड बज जाती है स्किन की मुझे, इसलिए गर्मी की मतलब मौसम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ विंटर में मेरा स्किन बहुत अच्छा रहता है, उस टाइम मुझे लगता है इतनी ऑयली है, मुझे विंटर में भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मुझे विंटर का वेदर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो वो गर्मी चल रही है ना बाबा, जब तक मतलब फेस वॉश करो आप आधे घंटे बाद, कुछ भी लगा लो उसके बाद, तब तक ठीक रहता है, थोड़ी ड्राई ड्राई रहती है, लेकिन फिर इतनी ऑयल रिलीज़ हो जाती है ना स्किन में से कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मैं ये ऑयल कंट्रोल करने के लिए करूँ तो करूँ क्या। तो मुझे, और सिर्फ ना कि मेरी स्किन, मेरे हेयर्स की जो स्कैल्प है वो भी इतनी ऑयली है कि मतलब क्या बताऊँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट मुझे बिल्कुल भी ऑयली ऑयली पसंद नहीं है। हो सकता है मैं ज़्यादा ऑयल खाती होंगी इसलिए शायद
मे बी। तो और कौन कौन डील कर रहा है मेरी तरह, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है, दिल में तो बहुत कुछ आता है, बट अभी क्या है ना, अभी न्यू चैनल है मेरा और उतने व्यूज़ नहीं हैं, उतने लोग जुड़े नहीं हैं मुझसे, तो इतना सब कुछ बताना, सब कुछ करना अच्छा भी नहीं लगता। और जब ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो फिर चलो लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, ज़्यादा लोग सुनेंगे मेरी बातों को। तो पता नहीं बाकी लोगों का चैनल कैसे तुरंत तुरंत ग्रो कर जाता है, हम लोग भी जो बाकी लोग डाल रहे हैं वही हम लोग भी डाल रहे हैं, वो लोग भी कुछ स्पेशल नहीं डालते हैं, अपनी डेली रूटीन ही शेयर करते हैं, क्या खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो भी वही सब शेयर करते हैं। बट उन लोगों के चैनल पर आप व्यूज़ देखो, लाइक्स देखो, भर भर के कमेंट्स देखो, और हालांकि उन लोगों को भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में हम जैसे लोगों का ही हाथ होता है, बट क्या है कि अब हम लोग हो गए छोटे यूट्यूबर, तो जो भी है अब इतना तो कर ही सकते हैं। अगर हम लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर और जो छोटे लोग हैं, और भी मतलब जो अभी स्टार्टिंग में हैं हम जैसे लोग, तो उनका चैनल कैसे ग्रो करेगा। तो बस यही सब है, और मेरा आज का वीडियो काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आपका, 10-11 मिनट हो गए, तो इजाज़त दीजिए आज के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो बाय।